गल करिए प्रदूषण की, तो तुहानू दस दिए प्रदूषण बीते दिन दशहरे का त्यौहार निकलिया। दशहरे के त्यौहार के दिन दिया एयर क्वालिटी इंडैक्स जो कि 152 के करीब सीगा, जो कि बहुत ज़्यादा होंदा है क्योंकि 100 के करीब जिहड़ा वै वह हो सकता है, पर 100 तो प्लस 152 के करीब पहुँच गया सीगा, पर बीती रात जो 300 के करीब आईक्यू लैवल जिहड़ा पहुँच गया, जिसनों देख के तुसी अंदाजा लगा सकते हो कि हवा के विच किन्ना प्रदूषण फैलिया होया वै। ते जिसनों मद्देनजर रखते हुए पंजाब सरकार वालों एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसनों लैके लोग अपने सेहत नाल खिलवाड़ होने तो बचा सकते हैं। जी हाँ, तुहानू दस दईए किस तरह लोग खतरे के विच हन। वैसे तो कह दीए तो खतरे के विच तां सारे ने, पर तुहानू दस दईए असी सारे जोखम के विच किस तरह, पर कुछ वधेरे कमजोर भी हैं इस विच, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, शुगर, दिल दीआं बीमारियां, दमा जां साह लैण वालियां जिहड़ियां बीमारियां अते रुकावटां वालियां बीमारियां वर्गियां स्थितियां वाले लोग भी शामिल हैं। हवा प्रदूषण तुहाडी उम्र अते जीवन की गुणवत्ता नूं घटा सकती है। दस दईए हवा प्रदूषण के चिन्ह की हैं अते उसके लक्षण की हैं। आम लक्षणां लई देखो, जिवें कि खंघ, सांह चढ़ना, पानी भरिया नक्क, खारश अते अख भरी पानी, महत्वपूर्ण तौर ते उन्हां लक्षणां दे विच बुखार शामिल नहीं है, पर तुहानू दस दईए थोड़े समय अते लंबे समय दे विच इसका की प्रभाव हुंदा है। हवा प्रदूषण तुहाडी उम्र नूं घटा सकता है अते जीवन की गुणवत्ता नूं माड़ा असर पा सकता है। उचित इलाज, अपने आप नूं बचाओ अते बाहरी गतिविधियां तों बचो। किस तरह सेहत संभाल पेशावर नाल सलाह कर सकते हो ता जो तुहाडी सेहत दे नाल खिलवाड़ ना हो सके। जी हाँ, तुहानू दस दईए लोड पैण ते खंघ नूं दबाउण वाली दवाई की वरतों करो। जेकर तुहाडी सेहत संबंधी स्थिति है तो अपने निर्धारित इलाज ते बने रहो। जी हाँ, तुहानू दस दईए एक सेहतमंद खुराक बनाई रखो अते चंगी तरह अपनी डाइट रखो, एक्सपेंजर नूं घट करदा। दस दईए कमज़ोर व्यक्ति, बच्चे, बुजुर्ग अते सेहत समस्या वाले लई जिन्ना संभव हो सके घर के अंदर रहो, घर के दरवाजे बंद रखो अते खिड़कियां बंद रखो ता जो प्रदूषित हवा तुहाडे घर के अंदर एंटर ना कर सके। सवेर की सैर की गल करिए, सवेर की सैर तुहानू किस तरह करनी चाहिए है इस प्रदूषित वातावरण के विच। जी हाँ, तुहानू दसीए धुएं दे विच सवेर दी सैर सुरक्षित नहीं है क्योंकि प्रदूषण अपने उच्च पद्धर ते है। जदों हवा साफ होवे तां सूरज चढ़न तो बाद सैर करन दी चोण करो ते फेस ते मास्क लगा के रखो। जी हाँ, फेस ते मास्क लगा के रखण दे विच तुहाडी भलाई है। जी हाँ, तुहानू दस दईए फेस मास्क हर किसी लई फायदेमंद हो सकता है। N95 मास्क नियुक्त मास्क नालों बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। इसनों बुजुर्गों, दमा अते दिल दीआं बीमारियां वाले व्यक्तियों नूं N95 मास्क नूं तहजीह देनी चाहीदी है क्योंकि यह लोकां लई सेहतमंद अते फायदेमंद है। याद रखो, ये कदम चुकण नाल तुहानूं अते तुहाडे आले दुआले दे लोकां नूं प्रदूषण तो नुकसानदेह प्रभाव तो बचाया जा सकता है। तुहाडी तंदुरुस्ती अते साडे ग्रह दी सेहत तुहाडे अपने हथ है। हवा दे विच काफ़ी जिहड़ा प्रदूषण फैलिया होया, जिस तों लैके पंजाब सरकार ने गतिविधियां जारी कीतियां ने, उस नूं तुसीं मद्देनज़र रखते हुए मुँह ते मास्क ला के रखो। सड़कां ते निकलो तां अपनी पूरी हिफाजत दे नाल निकलो अते जे सैर करनी है तां बिल्कुल धुएं दी जगह ते सैर ना करो। जदों सूरज निकलदा है उस वक्त तुसीं सैर कर सकदे हो ताजो तुहाडी सेहत सही रहेगी।